कैसे हो भैया? बढ़िया मस्त। कैसे हो शुभम भाई? बढ़िया भाई। तो कल जीतते जीतते रह गया, एस के 1500 रैंक था। हेट्रिक खिलाड़ी में तो नहीं, बाकी एस के बढ़िया रैंक है। कितना हेट्रिक खिलाड़ी में? नहीं थी मेरी। कितने रैंक में बताओ ना। रोई सी हमारे तो कुछ हमारे हमारे पूरे सुबह मध्य कम से कम पोजीशन है रोई जाओ। चलो मीटिंग में नहीं जाओगे? मीटिंग होने अच्छे। हाँ हाँ जी, इधर काला दा और अरे आलोक दा बैठे। चलो मीटिंग में चलो विद्या सागर। हाँ चलो आओ, देखते क्या हो रहा है। फोन किया था, क्या करोगे यहाँ पे बैठे? आ गया, चलो वहाँ चढ़ाने चलो। कहाँ पे? हाँ बेटा। अच्छा चलो चलो, मैं तो फिर विद्या सागर बुला लेना मेरे को। हाँ फोन किया था रवि काका ने, फोन किया था बोला आ जाना थोड़ा मीटिंग में। आओ वहाँ बैठ के बना सही बने। ऐसा हर गांव में पैदा करके, हर गांव में अगर दो दो लड़के तैयार हो जाए ना, दो दो ज्यादा नहीं चाहिए, उसके बाद दो ही काम देखते वो गांव, वो दो ही लोग ही करते रहे। हाँ। और उसके बाद एक बड़ा सा सेमिनार जो बात आई थी, वो बात का प्रोसेस है। आप जो कह रहे ना गांव-गांव में जाने के लिए, उसमें आपको लगेगा ज्यादा टाइम। अगर सेमिनार करते हर गांव से प्रतिनिधि बुला के, वहाँ एक ही जगह एक दिन में बात हो जाएगी, फिर उसके बाद स्प्रेड हो जाएगी। आप पहले हमें कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा ना। बात हो रही है कि चीजें खराब क्यों हो रही है समाज में। मैं सिर्फ आत्महत्या पे नहीं जाऊंगा, वहाँ ही कॉन्सेंट्रेट किया गया कि खाली प्रेम ना, तो मेरे को लगता है पैसे के लिए भी आत्महत्या करता है आदमी, किसी चीज से तंग आदि भी करता है। तो हम एक चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते कि छोटी उम्र के लड़के प्यार ना करते, यानी कि हम ऐसा सोच रहे हैं सोसाइटी में। ये एक अलग समस्या है भाई। दो तरह की चीज है, एक तो क्राइम हो गया, क्राइम हम चाहेंगे उसे डील करेंगे, चोरी डकैती जो भी चीज़ है क्राइम से हो गया, पर हमको एक चीज़ जानता नहीं। दूसरी चीज़ होती है हमारी सामाजिक बुराइयाँ। सामाजिक बुराइयों में सब कुछ आता है, सामाजिक बुराई में नशा करना भी आता है, सामाजिक बुराइयों में ये सारी चीज़ें आती हैं जो होते हैं। दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़ क्या है, समाज में लोग सबसे ज़्यादा क्या करते हैं आजकल भाई, सोशल मीडिया को हम दोस्त ही यकीनन है, लेकिन सोशल मीडिया का इतना बड़ा स्थान है आज, ये सारे सोशल मीडिया से हम लोगों की अच्छी बातें भी पहुँच रही हैं। तो पेरेंटल कंट्रोल है नहीं है, सामाजिक जो फ्रॉड हो रहे थे हमें जानकारी, अभी शायद आधे लोगों को 155-260 नंबर का पता ही नहीं होगा। अगर किसी के साथ फ्रॉड हो जाए तो 155-260 पे तत्काल कॉल करने से वो सीज हो जाते हैं खाते, तो इस चीज़ को आप नोट कीजिए। ठीक है, हम यातायात यहाँ देखते हैं कि भाई बच्चे ऐसे चल रहे हैं, दिल्ली चल रहे हैं, तो क्या मैं एक गार्जियन होने के नाते कभी भूल पाया अपने बच्चों को? तो क्या इन चीज़ों देखिए, हमने बच्चे को सिर्फ एक मोरल एजुकेशन देनी है। ये पढ़ाई वाली एजुकेशन तो ठीक है, जो टीचर दे रहे घर वाले, तो मोरल एजुकेशन दे रहे हैं उसे। तो अगर मेरे बच्चों को ये भी क्लीन बैठ के जा रहे हैं और मैं उसे ये नहीं समझाने में कामयाब रहा कि ये गलत है, तो यकीनन एक ना एक दिन हादसा होगा। और रही दूसरी चीज़, देखिए खाली दिमाग शैतान का घर। जो बच्चे होते हैं आज की डेट में, हम उनके दिमाग में भर क्या रहे हैं देखने से, और देखने से ही सब कुछ, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, चाहे हम हमारा अपना आचरण हो। यहाँ पर मेन और एक आखिरी चीज़ कहेंगे, मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। देखिए शायद प्रेम जोड़ता है तोड़ता नहीं है, लेकिन अगर मेरा अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम है उससे बड़ा प्रेम अगर उसे बाहर मिल गया, तो वो मेरे प्रेम को छोड़कर उस प्रेम को ढूंढेगा। तो मेरा प्रेम सर्व प्रेम होना चाहिए, मतलब मेरे प्रेम से बढ़ के कोई प्रेम नहीं होना चाहिए, तब बच्चे की एक ललक लगेगी कि यार मेरे बाप को बुरा लगेगा, मेरी माँ को बुरा लगेगा। बिल्कुल, यदि मैं उसे 5 रुपए का प्रेम दे रहा हूँ, बिल्कुल बहुत बढ़िया, तो हमें अपने बच्चे को 100% प्रेम देना, ताकि वो बाहर प्रेम उसे ढूंढने की जरूरत ना मिले, बाहर उसे दोस्त ढूंढने की जरूरत ना मिले, बाहर उसे मोटिवेशनल स्पीकर ढूंढने की जरूरत ना मिले, सब कुछ घर के अंदर मिले रहेगा, तो वो कभी आत्महत्या नहीं करेगा। तो बस यही मेरे शब्द है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। तो अभी यहाँ पे जो क्षेत्र में आत्महत्या की घटना जो बढ़ रही है, उसको लेके जो है ये एक मीटिंग बुलाया गया, सभी ने अपना विचार रखा। इसके बाद और एक मीटिंग होना है दुर्गा पूजा को लेकर, बैक टू बैक दो मीटिंग।
चलो जिसका जो चेहरा है लगवा दो देखिए प्रकाश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी समय दिया है हमें। इसमें जो हम लोग निष्कर्ष में पहुँच रहे हैं उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये देखी जा रही है कि अगर नशा और आत्महत्या को हमें रोकना है तो सबसे पहले हमें परिवार में एक साथ बैठना होगा, क्योंकि आज इस समय देखिए परिवार में पति पत्नी, बाप बेटा, भाई बहन एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे, टाइम दे रहे मोबाइल को, व्हाट्सअप को, फेसबुक को। सबसे पहले ये कारण है, इससे हमें थोड़ा सा, हालांकि ख़त्म नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा कम करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ ही थोड़ा सा क्या है कि जैसा हमारे क्षेत्रीय जो विद्यालय हैं, इन विद्यालयों में भी जो गुरुजन हैं, क्योंकि जहाँ तक देखा जा रहा है कि यूथ इस समय अपने परिवार माँ बाप से भी ज़्यादा गुरुओं को मानते हैं और गुरुओं का कहना मानते हैं, तो इसलिए जहाँ गुरुजन हैं, गुरुजन भी अगर इस तरीके से एक क्लास मॉर्निंग असेंबली या इवनिंग असेंबली में थोड़ा सा समय दे, या हम लोग जो सामाजिक रूप से इस आत्महत्या और नशे को रोकने का एक मुहिम शुरू कर रहे हैं, हम लोग भी जाके बच्चों के साथ बात करें तो एक हल निकलेगा। और उसी के साथ मेन एक निष्कर्ष से हम लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं कि विभिन्न ग्रामों में हम लोग जाएंगे और ग्रामों में जाके जो माता पिता और उन्हीं के साथ जो यूथ है, उसमें युवा लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनके साथ हम लोग एक जो सुसाइड अवेयरनेस काउंसलिंग करेंगे बैठ के, और उनके अंदर ये भावना लाना चाहेंगे हम लोग कि छोटी सी परेशानी हो या बड़ी परेशानी हो, किसी भी परेशानी का हल देखिए मौत को गले लगाना है। हमें सोचना है कि मैं तो चला जा रहा हूँ लेकिन मैं जिन्हें छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद मेरे वो माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे भैया भाभी और मेरे जो मेरे रिश्ते नाते के लोग हैं, उनको मैं ज़िंदगी भर के लिए रुला के जा रहा हूँ। तो ये सारा जो सेंटिमेंटल एक उनके दिल को जब हम आघात करेंगे तो उन्हें लगेगा कि नहीं, ये मौत से ज़्यादा प्यार मुझे क्या है, मेरे माँ बाप से करनी है, मुझे रिश्ते नातों से, मेरे बीबी है, बच्चे हैं, जो जिस कंडीशन में इस कदम को उठाते हैं, तो उस प्रयास में हम लोग लगे हैं। और इसमें युवा और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधिगण और हमारे कॉलेज के गुरुजन लोग वो साथ दे रहे हैं, हमारे थाना परिवार से भी हमें सहयोग कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस तरीके से सबका साथ मिलेगा तो धीरे धीरे गांव के अंदर इस तरीके से एक माहौल हम पैदा कर देंगे कि हर गांव में 10 लड़के ऐसे निकल के आएंगे कि जो इस नशा और आत्महत्या को रोकने के लिए 24 घंटे तत्पर रहेंगे। धन्यवाद सरकार। तो अभी एक मीटिंग खत्म होने के बाद अभी दुर्गा पूजा उत्सव 2023 को लेके एक मीटिंग चल रहा है कि कैसे क्या करना है उस विषय में। अभी जो आपने रवि काकू का जो बात सुना उसको जरा गौर से समझिएगा। मीटिंग हो गया समाप्त, अभी जाएंगे हम किधर, जगन्नाथ रथ जो लाए थे जन्माष्टमी में वो अभी तक नहीं पहुंचा है, तो उसको आज पहुंचाना है, हर हालत में आज पहुंचाना ही है। ट्राली हमारा वेट कर रहा है, काला देवी पहुंच गए हैं। चला गया किधर? कार। क्यों कार चला गया? सत्तो कहाँ चला गया? कौन मनोज लेके गए? ये क्या बात हो, ट्राली तो लाना पड़ेगा, आज पहुंचाना ही पड़ेगा उसको, ऐसे कैसे? आओ चलो 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 चलो, आज कोई नहीं चलेगा, कल नहीं पहुंचा सकते, परसों नहीं पहुंचा सकते, और उनको सोमवार को चाहिए, कुछ प्रोग्राम है उनका भी, पहुंचाना तो पड़ेगा भाई। तो बताओ ट्राली आके वापस भी चला गया यार। हम इधर थे मीटिंग में व्यस्त और इधर ट्राली वाला आया और निकल लियो पतली गली पकड़ के। उनमें से एक भाई साहब ये भी है ट्राली वाले, ये हमारे साथ यही मीटिंग में बैठ गए और बताओ एक बंदा ट्राली लेके चला गया। ये कोई बात नहीं होता है भाई,
बुलाओ भाई साहब, अब आपको बुलाना पड़ेगा इसको। मनोज को फोन करो, मनोज दा को ही फोन करना पड़ेगा। फोन करो, चलो फोन करते हैं। तो रथ लेने के लिए ट्रैक्टर आ गया है, ट्रैक्टर ट्रॉली रथ हमारे दादा के घर में, सत्यजीत दा के घर में रथ। इसको छोड़ना है सुंदरपुर। बताओ तो कितना लेट, कितना लापरवाह, काम निकल गया तो भाई सब भूल जाते हैं। मैं चाचा को लेके आ रहा हूँ फिर। हाँ सही बता रहा है, ये तो बढ़िया दिमाग दिया है। हाँ ऐसे तो बस कर, सेंटर करा के, सेंटर ट्राली को थोड़ा नीचे कर दो, सेंटर करना कर, फिर जब पहिया चढ़ जाएगा फिर ऊपर कर देना। अरे हाँ वो तो प्रेशर वाला है ना। हाँ हाँ चांदी कर दे तो हल्का सा। चलो ये जुगाड़ बढ़िया लग गया एकदम, शाबाश। चलो चलो बहुत बढ़िया, पूरा सुविधा मिल रहा है, देख रहे हो। बस 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 चलो पकड़ो। हाँ सामने पे, हाँ हाँ सामने का उठा दो। कैमरा पर है कोंडा दिया है तू जा हमरा धन अंदर ले बटन दे। आओ करो देने से पूरा कर दे। बहुत बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, देख रहे हो। अरे भगवान के काम में कभी तो बाधा नहीं आता है भाई, सब बढ़िया करके निकल जाता है। अरे डाला ही लगा दो, डाला लगा, ईटा लगा के डाला लगा दो। कैसे एक्सपीरियंस रहा वहां से यहां तक आने के लिए भाई? खतरनाक, ऐसा अनुभव पहली बार फील कर रहे होंगे? बहुत यार, रास्ता बहुत ही सुपर हिट है अपना। क्यों सुंदरपुर का बढ़िया है, लेकिन दिनेशपुर क्षेत्र का चेयरमैन का तो कुल मिला के बात यह है, दादू के घर हम पहुंच गए हैं और हम दादू क्लब के कार्यकर्ता अध्यक्ष जी हमारे अमित गुप्ता और एक मैं और बाकी हमारे ड्राइवर साहब सत्यदा सत्तुदा और भाई का पायलट वो कंडक्टर राजीव और ये रथ। अब हम उतारे कैसे, चार जने हैं कुल, उतारना तो पड़ेगा। दादू तुम लोग आसे है दादू? अच्छा अच्छा, दूसरी लगभग ना दो तीन जन ओली हो जाए ने। तो भाई रथ हमने छोड़ दिया है दादू के घर। हेलो, और भाई हमारा तेल गया खत्म। अरे नामा तो फ्लैश से गाड़ी स्टार्ट, इसको भेजा तेल लेने लेकिन इसको पेट्रोल वाले ने तेल नहीं दिया तो अब इसके गाड़ी से दे रहा है टालू भाई हमारे। अरे तो वही तो, और गाड़ी स्टार्ट अच्छे ना, सुंदरपुर के चक्की के वहां से धक्के मार के लेके आया हूं अपने ट्रैकर को। बताओ यार, भाई ने बोला था पहले ही कि भाई नहीं जा पाऊंगा उधर तक, पहले ही मेरे को संदेश दे रहा था। चल जाबे यार, चावल दुकान जाफरपुर पहुंचा दो मामा घर। अरे भाई गाड़ी बोला एड्डो की जाफरपुर, चल पहुंचा दे आप होता। अरे भाई 42 का एवरेज है मेरे गाड़ी का। तो भाई गाड़ी तालू के तेल में यहां तक पहुंच गया अपने अड्डे तक। अभी
धन्यवाद, टाटा बाय बाय।